हेलो स्टूडेंट्स तो आज क्लास प्लस वन यूनिट नंबर टू काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर ट्वेंटी सिक्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवर बोट प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन तो आज हम रिवर बोट प्रॉब्लम जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था तो उसके बेस्ड कुछ नोमेरिकल्स हम यहां पे ट्राई करेंगे तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो इन प्रॉब्लम नंबर वन टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड ऑफ थर्टी किलोमीटर पर आर, एट ए डिस्टेंस ऑफ फाइव किलोमीटर फ्रॉम इच अदर तो हमने एक कार मान ली ए दूसरी है बी दोनों की स्पीड सेम है थर्टी किलोमीटर पर आर, और दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है ना तो हमने दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन सेम है तो हमने दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली और ये नेगेटिव है ना और दोनों के बीच में सेपरेशन फाइव किलोमीटर है इनिशियली अब क्योंकि हमें दोनों की विलॉसिटी थर्टी किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ गिवन है ठीक है तो हमने अगर रेलिटिव विलॉसिटी बिटवीन ए एंड बी निकालनी है तो वो जीरो आ गई इट मीन्स दोनों बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू इच अदर रेस्ट पे है ना तो अगर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इच अदर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कॉन्स्टेंट रहेगी सेम रहेगी तो दोनों के बीच में हर टाइम में सेपरेशन फाइव किलोमीटर ही रहेगी अब नेक्स्ट देखिए ए थर्ड कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन मीट्स दीज टू कार्स एट एन इंटरवल ऑफ फोर मिनट्स तो हमने मान लिया कि जो कार C है ना तीसरी कार वो सबसे पहले बी को मिलती है रस्ते में और फिर ए की तरफ आगे बढ़ती है ना तो बी से ए की तरफ पहुंचने में कार सी को कितना टाइम लगा फोर मिनट्स अब बी और सी के बीच में सॉरी बी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना है फाइव किलोमीटर का तो इसका मतलब जो सी कार है ना उसने ये फाइव किलोमीटर डिस्टेंस फोर मिनट में कवर किया पर अब क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि किस वेलोसिटी के साथ तो अब ये माइंड में रखना है क्योंकि बी और सी ए सॉरी बी और ए के बीच में जो डिस्टेंस फाइव किलोमीटर है वो कार सी ने कवर किया विद वेलोसिटी। और उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे अब यहां से ध्यान में रखना पड़ेगा आपको ना देखिए आराम से तो सी कार को सी भी मोशन में है बी और ए कार दोनों भी मोशन में है ना तो अब सी कार को बी से ए पहुंचने में कितना टाइम लगा फोर मिनट अगर ए और बी दोनों कार्स रेस्ट पे होती तब सी ने ये पांच किलोमीटर डिस्टेंस जो चार मिनट में कवर किया है वो किस वेलोसिटी के साथ करना था विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पर अब क्योंकि बी और ए दोनों कार्स मोशन में है सी के साथ साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना तो अब ये जो C ने पांच किलोमीटर डिस्टेंस मिनट में कवर किया है ना वो किस वेलोसिटी के साथ किया है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ए और बी मतलब अब हमें यहां पे चाहिए वेलोसिटी ऑफ कार सी विद रिस्पेक्ट टू कार ए या विद रिस्पेक्ट टू कार बी तो अब इसके लिए जो मॉड है ना यह स्पीड ऑफ कार सी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पर अब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें निकालना पड़ेगी विलॉसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए या विद रिस्पेक्ट टू बी तो वहां पे हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया रिलेटिव वेलोसिटी का ना तो एक कैसे निकलेगा माइनस वी ना ये मैंने आपको बताया हुआ है कैसे लिखनी है अब यहाँ पे वी की वैल्यू नेगेटिव मॉड वी सीई क्यों लिखी क्योंकि जो सी की वेलोसिटी है ना उसकी डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन जिसको हमने असाइन किया है उस तरफ है ना और जो वी ए वो प्लस थर्टी है ना यहाँ पे प्लस थर्टी करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही बनेगा ना तो ये बन गया और इसी तरह वी बी, वी सी बी की भी आ ना। अब क्योंकि वी सी ए या वी सी बी सेम ही आ रहा है आंसर तो इसका मतलब बी से ए तक पहुंचने में कार सी को जो चार मिनट लगे हैं ठीक है ना वो टाइम किसके बराबर होगा बी और ए के बीच में जो सेपरेशन है डिवाइडेड बाय रेलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए या रेलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी तो अब वो यूज किया ना तो मॉड लेना है हमने टाइम के लिए ना तो यहां पे नेगेटिव साइन ओमिट कर देते हैं तो अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको वीसीई मॉड की वैल्यू 45 किलोमीटर पर आ रहा है मतलब इस न्यूमेरिकल में आपको कैसे सोचना है कि क्योंकि जो कार सी है वो बी से ए तक पहुंच रही है फोर मिनट में और बी और ए के बीच में दूरी है पांच किलोमीटर की ना तो अब ये जो दूरी उसने कवर की है फोर मिनट में उसके लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेवार है विलॉसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए या विद रिस्पेक्ट टू बी तो ये जरूरी है ना अब यहां पे देखिए आप प्रॉब्लम टू में टू बसेस स्टार्टेड अदर फ्रॉम टाउन ए एंड बी विच आर फोर एटी किलोमीटर अपार्ट इट टूक बस ट्रेवलिंग सेकेंड बस ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू ए टेन आवर्स डिटरमिन वेन द बसेस विल मीट आफ्टर स्टार्टिंग एंड एट वट पॉइंट फ्रॉम ए तो हम इसके लिए क्या मान लिया कि जो ए और बी दो टाउन्स है ठीक है ना वो एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर है दोनों के बीच में सेपरेशन 480 किलोमीटर है और हमने ये जो स्ट्रेट पाथ है ना उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया ठीक है अब जो टाउन ए है ना उसको हमने ओरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस मान लिया ठीक अब जो बस ए है जो बी की तरफ जा रही है जो बस टाउन ए से बी की तरफ जा रही है उसकी वेलॉसिटी वी ए लिख ली कैसे लिखोगे क्योंकि जो ए बस है ना जो बस ए से बी की तरफ जा रही है तो उस बस ने 480 किलोमीटर कितने टाइम में कवर किया ए टार में ना तो उसकी वेलोसिटी निकाल ली और इसी तरह से जो बस टाउन बी से ए की तरफ जा रही है तो उसकी वेलॉसिटी निकाल ली अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों डाला क्योंकि जो बस बी से ए की तरफ जा रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रही है ना तो इस कारण है ये प्लस है ना तो ये साइन कन्वेंशन लेके चलनी है और एम क्या है रस्ते में एम वो पॉइंट है जहां पर दोनों बसेज एक ही टाइम पे एक जगह पे मिलेंगी ना उसके बाद फिर क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगी अब जो एम है मीटिंग पॉइंट तो मान लीजिए कि जब ये दोनों बसेज ने मोशन स्टार्ट किया तो वो टाइम जीरो टाइम है और जब ये दोनों बसेज मीटिंग पॉइंट पे पहुंची तब तक टाइम कितना बीत चुका है टी टाइम तो अब यहाँ पर जो पहली बस है उसकी इनिशियल पोजीशन है, है ना वो ओरिजिन पे होने के कारण जीरो है जबकि उस इनिशियल पोजीशन क्या है एक्स नॉट बी प्लस फोर एटी किलोमीटर है ना क्योंकि ए से बी फोर एटी किलोमीटर है अब इसी तरह से जब दोनों बसेस मीटिंग पॉइंट एम पे पहुंची है ना अच्छा यहां से हमने ये इनिशियल पोजीशन ऑफ ए है ये इनिशियल पोजीशन ऑफ बी है तो यहाँ से हम इनिशियल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल सकते हैं ना वो माइनस वन फोर एटी किलोमीटर आ गया अच्छा अब जब दोनों बसेस एम पे पहुँच गई हैं फाइनली आफ्टर टाइम टी तो ए की पोजीशन क्या होगी एक्स और बी की पोजीशन भी एक्स क्योंकि ओरिजिन यहाँ से है ना यहाँ से लेनी है हमने तो अब फाइनल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी फाइनल पोजीशन ऑफ ए माइनस फाइनल पोजीशन ऑफ बी वो जीरो आ गई है ना अब फाइनल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होती है इनिशियल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम क्योंकि यहां पे ना हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों बसेस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं ना तो उनके बीच में जो रेलेटिव वेलॉसिटी है वो भी कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट में फाइनल पोजिशन एक्स क्या होती है इनिशियल पोजिशन एक्स प्लस वेलासिटी इन टाइम तो अब ये बात समझ नहीं अब यहाँ पे एक्स ए बी और एक्स नॉट ए बी की वैल्यूज सब्सिट्यूट की तो वहां से हमें टी निकल आया ना तो वी ए बी इसके लिए चाहिए वो कैसे निकालोगे अब रेलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रेलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी करोगे ना बी ए बी निकालने के लिए पर अब ये क्योंकि आपको बताया हुआ है ये कोई सब्ट्रैक्शन सिंपल नहीं है ये वेक्टर सप्ट्रैक्शन है ना तो इसमें आपने प्लस माइनस साइन भी लेना है वन डायमेंशनल सप्ट्रैक्शन के केस में तो उस केस में वी VA की वैल्यू क्या होगी प्लस सिक्सटी वी बी की माइनस फोर्टी एट है ना तो वन जीरो एट किलोमीटर पर आर बनगी ना तो अब यहां से इतना टाइम लगेगा इतने टाइम बाद वो दोनों बसेज ए की जगह पर पहुंचेंगी अब नेक्स्ट <coughs> पार्ट क्या करना है हमने ये भी निकालना है कि वो मीटिंग पॉइंट ए से कितनी दूर है मीन्स एक्स की वैल्यू भी निकालनी है आप ध्यान दीजिए कि बस ए को मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है नाइन आर है ना अब बस ए एम तक पहुंची विद कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी तो अब यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो कि एक्स बाय टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए तो एक्स बाय टी तो वेलोसिटी ऑफ ए तो फिर एक्स क्या हो गया तो अगर वेलोसिटी ऑफ ए है एक्स बाय टी तो एक्स क्या हो गया वेलोसिटी टू टी तो अब ऑफ़ ए कितनी है सिक्सटी किलोमीटर पर टी कितने निकाला है फोर्टी बाय नाइन तो एट हंड्रेड बाय थ्री किलोमीटर मीन्स जो मीटिंग पॉइंट है जहां पर दोनों बसेस साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे पहुंचेंगी और वो पॉइंट ए से कितनी दूर होगा एट हंड्रेड थ्री किलोमीटर गोट इट अब यहां पे देखिए आप टू पर्सन पी एंड क्यू आर स्टैंडिंग 54 मीटर अपार्ट ऑन ए लॉन्ग मूविंग बेल्ट बेल्टी रोल ए राउंड स्टोन टू पर्सन क्यू विद स्पीड ऑफ नाइन मीटर पर सेकेंड अब यहां पे ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या है एक मूविंग बेल्ट है ना तो ये ये वाली स्ट्रेट लाइन मूविंग बेल्ट है बेल्ट इन मोशन और अगर आप स्टेटमेंट पर पढ़ो तो आपको क्या नजर आ रहा है द बेल्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ फोर मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम पी टू क्यू पी और क्यू दो पर्सन इस मूविंग बेल्ट के ऊपर खड़े हुए हैं उनके बीच में सेपरेशन फिफ्टी फोर मीटर है और इस बेल्ट की विलॉसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है फोर मीटर पर सेकेंड और हमने राइट right डायरेक्शन को प्लस मान लिया लेफ्ट को नेगेटिव है ना तो इसका मतलब जो विलॉसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है वो प्लस फोर मीटर पर सेकेंड है अब यहां ध्यान देना है कि क्योंकि पी पर्सन एंड क्यू पर्सन ये दो पर्सन जो है ना वो विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट रेस्ट में है क्योंकि रेस्ट बेल्ट के ऊपर वो रेस्ट पे खड़े हैं ना स्टैंडिंग है तो इसका मतलब ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट बी क्या है जीरो और क्यू विद रिस्पेक्ट टू बी भी जीरो है ना ये फर्क समझना है अब निकालना क्या है कि पर्सन पी ने क्या किया एक स्टोन को क्यू की तरफ बेल्ट के ऊपर रोल किया ना तो एस मीन स्टोन तो अब उस स्टोन की वेलोसिटी क्या हुई यहां देखिए आप मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट मतलब जब आप इस तरह की मोशन की प्रॉब्लम्स को पढ़ते हो सॉल्व करने के लिए तो वहां से आपको मालूम पड़ना चाहिए कि जो विलॉसिटीज दी हुई हैं पोजिशन दी हुई हैं या एक्सलेशन uh, दी हुई है वो विद रिस्पेक्ट टू वट रेफरेंस ऑब्जेक्ट है ना तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट उनमें क्या है तो ये आपको समझना भी पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा ना तो ये ये विलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है ना और ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दी हुई है क्योंकि बेल्ट की जो स्पीड दी है उसने वो रेफरेंस नहीं ना दिया तो यहां पे अर्थ लेनी पड़ेगी ना आपको अब बेल्ट के ऊपर पी और क्यू के बीच में दूरी कितनी है फिफ्टी फोर मीटर है? तो अब सबसे पहले क्या निकालना है वट इज द स्पीड ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म स्टेशनरी प्लेटफॉर्म मीन कि वो अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है ना तो जो चीज अर्थ के ऊपर खड़ी हुई है तो वो उस वक्त अर्थ ही हमारा रेफरेंस पॉइंट है ना उसकी जगह पे हम मान सकते हैं तो इस केस में क्या हो गया वीएससी मीन हमने विलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालनी है अब इसके लिए आपको इक्वेजन लिखनी पड़ेगी विलोसिटी ऑफ एस सी कैसे लिखोगे वी एस माइनस वीई और बेल्ट को साथ ऐड करोगे ना बताया हुआ है आपको अब वीई बी विलॉसिटी ऑफ अर्थ विध रिस्पेक्ट टू बेल्ट और ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल बट ऑपोजिट है ना तो यहाँ पे वीई बी की जगह अगर हमने वी बी ई लिखना है तो माइनस साइन डालना पड़ेगा ना तो ये प्लस बन गया तो अब वी एस बी भी आपको गिवन है वी वीई बी गिवन है तो वहां पे विद प्रॉपर साइन हमने वैल्यू सब्सिट्यूट की तो ये आंसर आ गया ना तो स्टोन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ राइट की तरफ जा रहा है और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उसकी वेलोसिटी थर्टीन मीटर पर सेकेंड है अब दूसरा पार्ट क्या है यहां पर वट इज द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू अब पी और पी से क्यू तक जो फिफ्टी फोर मीटर डिस्टेंस है ना P और Q के बीच में वो विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो स्टोन यूज होगी स्टोन की वो भी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट वाली होगी ना तो इसका मतलब जब हमने यहां से टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड है ना तो क्योंकि डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट यूज हो रहा है तो विलॉसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट वाली यूज होगी ना तो फिफ्टी फोर बाय नाइन सिक्स तो सेकंड लगेंगे ना यह बात माइंड में रखनी है क्योंकि अगर एक्स विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट ए है तो वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट ही यूज होगी एक्सेलरेशन भी वही होगी ना अब यहां से देखिए थर्ड पार्ट सी व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म फ पर्सन क्यू रोल्स द स्टोन विद द वेलॉसिटी ऑफ नाइन मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू द बेल्ट टूवर्ड पर्सन मतलब अगर क्यू ने पी की तरफ स्टोन को रोल किया तो उस स्टोन को हमने एस डैश मान लिया है ना तो उस स्टोन की जो वेलॉसिटी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है वो नाइन मीटर पर सेकेंड दी हुई है पर अब क्योंकि इस स्टोन की वी एस डैश बी की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव की तरफ है तो माइनस नाइन लेना है ना विद प्रॉपर साइन अब वी एस डैश निकालने के लिए वी एस डैश माइनस वीई और बेल्ट साथ में जोड़नी है ना ये बताया हुआ है अब वीई बी -E को हमने माइनस वी बी से रिप्लेस कर लिया ये बन गया अब यहां पे जब आप विद प्रॉपर साइंस विलोस्टिस ऐड करोगे तो माइनस फाइव है ना ये आंसर आएगा मतलब विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट तो जो स्टोन है एस डैश वो तो क्यू से पी की तरफ जा रहा है नाइन मीटर पर सेकंड से पर जो पर्सन अर्थ पे खड़ा हुआ है है ना स्टेशनरी प्लेटफॉर्म में उसको लगेगा कि उसकी नेट स्पीड फाइव मीटर पर सेकंड है क्योंकि बेल्ट भी तो राइट right की तरफ मूव कर रही है ना तो ये कंक्लूजन है तो अब स्टोन एस डैश को क्यू से पी जाने के लिए कितना टाइम लगेगा तो इसके लिए भी क्योंकि क्यू और पी के बीच में पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो फिफ्टी मीटर है क्यों क्योंकि पी भी बेल्ट पे फिक्स है क्यू भी बेल्ट पे फिक्स तो इस 54 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कौन सी वेलोसिटी यूज होगी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट वाली है ना तो इस कारण ये फार्मूला। अब हम बात करने जा रहे हैं जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हो रिवर बोट प्रॉब्लम या बोट की जगह पे यहाँ पे स्विमर भी हो सकता है या स्विमर की जगह पे कोई पर्सन भी हो सकता है मैन वुमेन एट्सेट्रा तो पर ये प्रॉब्लम का भी हम स्पेशल केस करेंगे प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन वन डी लिखा हुआ है ना तो सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम में क्या होगा एक रिवर होगी ना नदी होगी और उसमें पानी फ्लो कर रहा होगा ना तो W यहाँ पे width of the river है. दूसरा जो रिवर है तो उसका जो वाटर फ्लो कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है वो हमने रेड कलर से एरो मार कर दिया ना पे। पे तो यहां पे आपको जो रेड कलर नजर आ रहा है उसमें रिवर जो फ्लो कर रही है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है ना ठीक है ना तो इस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ भी बोलते हैं या ऑफ रिवर वाटर भी बोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ठीक है तो इसका मतलब रिवर बोट प्रॉब्लम में या रिवर स्विमर प्रॉब्लम में आपको एक नोट करनी है विलॉसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ विलॉसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ का मतलब है विलॉसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर ये बात माइंड में रखनी है दूसरा जिस डायरेक्शन में नदी आगे बढ़ रही है नदी का पानी आगे बढ़ रहा है ना यहाँ पर आप देखिए रेड कलर का एरो क्या बता रहा है कि नदी का पानी राइट की तरफ आगे बढ़ रहा है ना तो उस डायरेक्शन को डाउन कहते हैं और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को अपस्ट्रीम तो ये बेसिक टर्म्स है जो आपको मालूम होनी चाहिए ना जब आप कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड विद रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो समझ आई बात डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम ये पता होना चाहिए अब यहां पर दो और वेलोसिटीज होंगी एक एक होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ VBE। या विलॉसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ना या विलॉसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो अब यहां पे बोट ले रहे हैं तो वी बी ई और तीसरी होगी विलॉसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और स्टिल वाटर तो स्टेटमेंट में जब भी आपको रिवर बोट की प्रॉब्लम दी हो तो उसमें एक वर्ड यूज होगा विलॉसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो वो विलॉसिटी ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वी बी आर ये माइंड में रखना है ना स्टिल वाटर मीनस रिवर का वाटर जो है ना उसके अकॉर्डिंग बात अब इन तीनों के बीच में इन तीन वेलोसिटीज में क्या रिलेशन बनेगा अगर वी बी आर लिखते हो लेफ्ट साइड पे तो राइट पे पहले वी बी माइनस वी आर लिखेंगे ना और तीसरा अर्थ जो है वो साथ में जोड़ देंगे ना वी बी माइनस वी आर है ना तो ये फॉर्मूला आ गया फॉर रिवर बोट प्रॉब्लम तो रिवर बोट प्रॉब्लम में आपके सामने तीन गिवन होंगी एक earth, दूसरी earth, तीसरी और तीनों के बीच में ये रिलेशन है और राइट साइड पे जो आप देख रहे हो वो कोई सिंपल सब्ट्रेक्शन नहीं है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ना और वन डायमेंशन में क्या होगा ये तीनों जो है ना ठीक है तो ये अलोंग स्ट्रेट पाथ होगी ना अब हमने क्या करना है कि जो velocity of river with respect to earth वाली डायरेक्शन है ना उसको हमने पॉजिटिव मान लेना है और दूसरी को नेगेटिव ठीक है अच्छा अब अगर आपकी बोट या स्विमर जिस तरफ नदी का पानी जा रहा है उस तरफ बोटिंग कर रहा है तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा है ना और अगर बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगी प्लस मॉड वी बी है ना प्लस क्यों लिया क्योंकि बोट की विलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ना पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ रही है और इसी तरह वी को भी आपने प्लस मॉड वी आर ई ले लेना है ना तो अकेला वी आर ई क्या है विलोसिटी है और मॉड वी आर ई क्या है उसकी स्पीड है ना तो अब जैसा कि मालूम ही है कि वेलोसिटी स्पीड एंड डायरेक्शन का प्रोडक्ट है ना अब वन डायमेंशन में डायरेक्शन प्लस माइनस साइन के साथ बताई जाती है ना ये हम शुरू से बात कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन में तो ये अब इसको हम अब ये अगर आपकी बोट नदी के पानी के उलट चल रही है तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं ना तो अब इन बातों को आपने अप्लाई कैसे करना है ना बेसिक प्रॉब्लम ये है अब जैसे यहां से समझिए आप इस बात को इफ स्पीड विद एंड अगेंस्ट द वाटर करंट वाटर करंट मीन नदी का पानी फ्लो कर रहा है ना इन ए रिवर भी 15 किलोमीटर पर आर एंड 5 किलोमीटर पर आर अब यहां पे ना तो बोट है ना स्विमर है यहाँ पे मैन वर्ड यूज हो रहा है ना अब ये मैन की स्पीड है या वेलोसिटी है किलोमीटर पर अब यहाँ पे रेफरेंस नहीं ना दिया हुआ तो इट मीन ये of man है अर्थ तो सबसे पहले हमने ये रिवर ड्रॉ कर ली ना दो डायग्राम्स बना ली जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मानी हमने राइट की तरफ वो पॉजिटिव डायरेक्शन है और उसके ऑपोजिट नेगेटिव लिख लिया ना अब यहां से देखिए कि उसने कहा हुआ है कि जो मैन है वो उसकी स्पीड विद एंड अगेंस्ट द वाटर विद मीन्स डाउनस्ट्रीम अगेंस्ट मीन्स अपस्ट्रीम ये याद रखना है ना तो ये अगेंस्ट अपस्ट्रीम है ना अगेंस्ट ये डाउनस्ट्रीम है तो ये विद है जिस तरफ नदी का पानी चल रहा है उसी तरफ आदमी भी स्विमिंग कर रहा है ना तो, तो हमने क्या निकालना है मैन स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ रिवर तो एक तो वीआर ही निकालना है दूसरा हमने वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आर वी, है ना वीएमआर तो ये अगेंस्ट है ये विद वाला आ गया ना अब यहां से ध्यान रखना आपने तो आपको जो वेलोसिटी दी है वो कौन सी दी हुई है वेलोसिटी ऑफ ये 5 वाली अगेंस्ट वाली है ना तो VME दी हुई है ना 5 पर अब जो VME है ध्यान से देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो नेगेटिव की तरफ है तो minus -5 है और यहाँ पे plus +15 है ना क्योंकि विद प्रॉपर साइन लेना है ना अब आपको रिलेशन पता ही है VMR क्या होती है VM VR E कॉमन है ना साथ में अब हमें क्या चाहिए VME ये है ना एक साइड पे ले गए तो ये अभी ही हैं ये ये वेक्टर्स फॉर्म में ना लिखा हुआ है ना यहाँ पे एरो वन डायमेंशन में बट ये है वैक्टर्स अब यहाँ वी एम ई की वैल्यू क्या लिखोगे आप माइनस फाइव और वी एम आर की वैल्यू कैसे लिखोगे आप अब ध्यान दीजिए क्योंकि आदमी यहां पे नदी के अगेंस्ट चल रहा है ना नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसकी विलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दोनों ही नेगेटिव होंगी तो VMR को क्या लिखोगे माइनस मोड वी और वी आर को क्या लिखोगे प्लस मोड वी आर की तरफ आगे बढ़ रहा है ना तो उसकी विलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ भी प्लस है विलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी प्लस लेनी है ना अब इक्वेजन टू एंड फोर को आप सॉल्व करिए तो वहां से आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर मिल जाएंगी ना अब ये नक्वेजन्स कैसे बनाई वो तो फिजिक्स ने हमें बताया अब उसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करते वक्त प्लस माइनस साइन कैसे डालने हैं वो भी फिजिक्स में हमें बताया गया बट उन इक्वेजन्स को सॉल्व कैसे करना है वो आपको मैथमेटिक्स से पता चल रहा है ना तो वो अब यहां पे देखिए एक प्रॉब्लम नंबर फाइव में ए शिप ट्रेवल्स डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन टू आवर्स एंड अपस्ट्रीम इन थ्री आर्स तो इसके लिए हमने क्या किया ये रिवर है अब मान लीजिए कि नदी के किनारे पे हमने ना दो पॉइंट ए और बी मान लिए है उनके बीच में दूरी एल है और जिस डायरेक्शन में रिवर का पानी आगे बढ़ रहा है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आ गई ना उल्ट और वी आर ही क्या ऑफ रिवर, रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है अब जो शिप है जब वो डाउनस्ट्रीम मूव कर रही है मतलब ए से बी जा रही है उसने जो एल डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर किया टू आवर्स में अब जो एल डिस्टेंस है ध्यान दीजिए वो विद रिस्पेक्ट टू क्योंकि ए और बी पॉइंट्स अर्थ पे है ना फिक्स्ड तो अगर ये दो पॉइंट्स ए और बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फिक्स्ड है तो इसका मतलब जो एल डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में वो भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ठीक है अब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो विलॉसिटी चाहिए वो भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही चाहिए तो इसका मतलब अगर हम इस डिस्टेंस एल को टाइम टू आर के साथ डिवाइड करेंगे तो जो वेलोसिटी ऑफ शिप आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आएगी समझ आई बात ये बात समझने वाली है ना अब विलॉसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो वी एस सी माइनस वी है ना तो वी एस आर अच्छा और वी एस सी जो है उसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो प्लस की तरफ है तो इसका मतलब जो वी एस सी है वो प्लस एल बाई टू आर है ना और जो वी है वो भी प्लस सी है तो मॉड लिख लिया ना उसका मैग्नीट्यूड इक्वेशन टू बन गई अब दूसरे केस में क्या बोला है कि जब शिप अपस्ट्रीम मूव कर रही है फ्रॉम बी टू ए तो उसको तीन घंटे लग गए ना अगेन क्योंकि शिप ने जब बी से ए पहुंचना है तो उसने विद रिस्पेक्ट टू एल कितना डिस्टेंस कवर करना है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ डिस्टेंस कवर करना है एल तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस ओवर टाइम थ्री आर है एल बाय थ्री आर वो विलोसिटी ऑफ शिप है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पर कब जब वो अपस्ट्रीम मूव कर रही है ना तो अब वी एस सी इस केस में वी एस सी क्या होगा माइनस एल बाई थ्री आर होगा ना माइनस क्यों क्योंकि क्यों? नेगेटिव ना तो अब VSR की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पे करेंगे ना ये बन गई ना वी एस आर भी यहां पे नेगेटिव होगा ना वीएससी भी जबकि पहले केस में दोनों वीएससी एंड वी एस आर पॉजिटिव थे ना अब दो इक्वेजन आपके सामने कौन सी आ गई इक्वेजन टू एंड इक्वेजन फोर इन दोनों को अगर सॉल्व करते हो तो वहां से आप वी आर ई की मॉड वी आर ई की वैल्यू निकाल सकते हो निकाल ली अब इसकी जरूरत क्या कहां पे पड़ेगी तो अब ध्यान दीजिए कि एक्चुअली हुआ क्या है स्टेटमेंट को पढ़िए द टाइम टेकन बाय लॉग ऑफ वुड टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी जो लॉग ऑफ वुड है लकड़ी का टुकड़ा है वो ए से बी जब मूव कर रहा है तो क्योंकि लकड़ी के टुकड़े की अपनी जो विलॉसिटी है ऑफ लॉग वुड विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो जीरो है ना तो वो पानी के कारण आगे बढ़ रहा है इसका मतलब ए से बी तक पहुंचने के लिए उसको कौन मदद करेगा ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ठीक है तो जो लकड़ी का टुकड़ा है ना क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू रिवर नहीं फ्लो कर रहा वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्लो कर रहा है तो उस केस में ए से बी पहुंचने के लिए उसको कौन सी वेलोसिटी हेल्प करेगी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ए से बी पहुंचने के लिए एल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ओवर वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अब वी आर ई की वैल्यू हमने निकाली हुई है एल बाई तो वो सब्सिट्यूट करी तो ट्वेल्व आर बारह घंटे में वो कवर होगा तो इनको बड़े आराम से समझना पड़ेगा आपको सो थैंक यू वेरी मच